कांग्रेस को अपनी प्रतिद्वंदी भाजपा से कहीं ज्यादा अपने घर में ही अपनों से लड़ना पड़ रहा है। राहुल गांधी को भी इस बात का इल्म तब हुआ जब अपनी संसद की सदस्यता जाने के बाद उन्होंने अपने घर पर कोई दो दर्जन ऐसे कांग्रेसी नेताओं को बुलाया जो दिल्ली NCR में भीड़ जुटाने की कुवत रखते हैं। राहुल ने नेताओं से कहा कि दो दिन बाद विरोध प्रदर्शन शुरू होंगे, कम से कम दिल्ली में तो लाखों की भीड़ जुटे। ये कहकर राहुल वहां से चले गए। राहुल के वहां से जाने के बाद ये नेतागण KC वेणुगोपाल के पास जा पहुंचे। दिल्ली के एक नेता ने तो ये कहते हुए भीड़ जुटाने से पल्ला झाड़ लिया कि कांग्रेस को दिल्ली की सत्ता से बाहर हुए 10 साल से ज्यादा हो गए, उनका वोट प्रतिशत भी दिल्ली में महज 2% पर सिमट आया है, तो भीड़ आएगी कहां से। सो ले देकर इस बात पर सहमति बनी कि भीड़ के लिए पश्चिमी UP, हरियाणा और राजस्थान का रुख किया जाए। सो अगले रोज जब कांग्रेस की लोकतंत्र बचाओ मशाल शांति मार्च लाल किले से लेकर चांदनी चौक के टाउन हॉल तक निकली तो मशालों की चमक फीकी दिखी, बड़े नेताओं के चेहरे भी उतरे हुए थे। अगले रोज राहुल ने अपनी कोर ग्रुप की मीटिंग में किंचित खीज उतारते हुए कहा, जितनी ऊर्जा आप मुझे देंगे मैं उतनी ही मजबूती से खड़ा हो पाऊंगा। मुद्दतों साथ चले हो और आज पांव पत्थरों से बचा रहे हो, भले तेरी नजरें आसमां पर है पर तुम कहां किस गर्त में जा रहे हो। हमारे वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।